चूड़ा पंती कहीं कहे सियाराम जय सियाराम। भगवान के नाम में ताली नहीं बजावो तारी दी ही सियाराम। ओ देखे हो तो ताली बजा थो चक्कर चक्करंगा करो चूड़ा पंती कहे सियाराम जय सियाराम। ए बाबा मोट डाल दे पे गा मोट डाल काबर मान लो भगवान के नाम में ताली नहीं बजावो तारी दी ही सियाराम। दीना दीन ही गा गोठिया से के किसी के रूप में अपन है जो समझ नहीं आते कहते हैं सियाराम जय सियाराम। दीन बाबा तो खाली बैठे का मतलब का ताली बाबा ताली कोटी कोटी धन्यवाद प्रणाम है। अब चलथन आप सब ल कथा प्रसंग से जोड़े से ध्यान देना। स्कंद महापुराण के कथा प्रसंग भक्ति कथा रानी चाऊना राजा सियाल शिव के लीला पर हां जिन कथा में पुरो से बजा थन सियाल वो कथा हरे घर के वो कथा हरे परिवार के वो व्यथा हरे समाज के कैसे एक पिता के धर्म एक महातारी के ममता और संतान के त्याग ये में प्रेम त्याग और समर्पण कथे सियाराम जय सियाराम। अब सब लढ़ाई के माध्यम से दिखाए बर जाबो वेढ़ल एक की जुबानी सुनाए बर कथे सियाराम जय सियाराम। तो बात नहरे कांती नगर के सियाराम कांती नगर के राजा के नाम है सियाल जेकर रानी के नाम है चांगुना सियाराम। इस दिन शिव के पूजा करे इस दिन शिव के भक्ति करे दूर ख्याल रखे भैया ऐसा राजा पाती हमारे जीवन धन्य सियान होना तो काकर जैसे हमारे राजा सियाल मुखिया होना तो कैसे हमारे राजा सियाल जैसे अरे ऐसा राजा पाती हमारे जीवन भैया धन्य हो गए कहते सियाराम ये भैया मल्ला गोठिया देखे कह दीदी मन चुपचाप रखे मार मट मिट मिट अये ये भाटा कही आज हमारे गांव रूप गांव में नया सवरिया गणेश उत्सव एवं जस जहां की समिति वाले मन हां राम कथा कराती यार राम कथा ए देख तो देख तो रूप गांव की दीदी मन सब जगह पोखरा के बैठ के बही हो मजा के सुंदर राम कथा ल सुन लेते अपन जीवन में उतार लेते ए सुना था ये दे भैया मन जावत थे ये भैया हमारी गांव में होवत थे कथा औ जेना सुने हमारी गांव में होवत थे कथा जेला सुने लयहुरा जानी ना है राम ओ मन मां बसाले राम महू नहायो तहु मन नहले राम ओ मन मां बसाले सितारे पाने लगे राजा
बड़े सुंदर के लिए भोलेनाथ की पूजा करे, शिवलिंग की स्थापना करे, राज महलवा सुंदर भक्ति करते करते के भक्ति है तो दूर दूर तक फैले रहा। तेल ना कौन देखे, आज के ताजा खबर है ताजा अखबार, और वो समय करे का नारद जी महकाए हरि गुनी गावत वीणा बजावत नारद मिल चले लागे नजर घुमाए के देखे कथे नारायण नारायण राजस्याल और रानी चाकुना भगवान भोलेनाथ के भक्ति करते, पर पूजा करे के कारण कै शरम, भक्ति करे के कारण कै शरम, मोह तो जानो पर जानो ते जानो कैसे शरम। आज ये दोनों झलके भक्ति ला, मैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के तीर बले गौ शरम, तब कह जाकर भक्ति के बारे में पता चले कथे नारद मुनि मन ही मन विचार करे कथे का ये राजा राजे रामा, ये राजा राजे रामा, ये राज शिव के भाई रामा, ये राज शिव के भगवान शिव जी कहे आओ नारद, आओ सुनाओ नारद, तीनों लोग 14 भुवन सब बने बने न जी कहते नारद जी कहते नारायण नारायण प्रभु आपके आशीर्वाद आपकी कृपा सावर मंगल है कथन गा यार आओ जय अत की बात ल सुने माता भवानी पूछ अये नारद तो इशारा नारायण नारायण तीनों लोग 14 भुवन में ना भगवान भोलेनाथ की भक्ति क्रिया नारी में महाराज कथे नारायण नारायण तीनों लोग 14 भर में ना भगवान भोलेनाथ की भक्ति करिया सियाराम, तीनों लोग 14 भर में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करिया तय माता माता पार्वती के मणि में संस्था आगे माता भवानी कथे एक आबादी साफ सवा तालार पहली जन बुझा कर थे सियाराम सुने नारद जी कथे मिया। अरे तीनों लोग 14 भन में घलो एक झनारी है जिन हरिकांति नगर के राजा राजा सियाल जेकर राज्य में भूखे ला भोजन प्यासे ला पानी यहाँ तक ले के हट में जाके भगवा बेला पानी। अरे उकर जिससे भक्ति करने वाला तीनों लोग 14 भनों को नू ये ना हो अच्छा मैया अच्छा प्रभु जी बोला के दे चल मैं कहा ब्रह्मल आगे लेकर के आगे वृत्ति करते का ये राज शिव के भाई और ये राज शिव के Yeah, boy.
भगवान शंकर कहे अभोग जिसके दाई नारी परानी बने हम दुख सुखला बाटे जति तोर मन में हैरा तेत बात मलक के ही डर करते सियाराम सियाराम अत की बात ल सुनिस माता पार्वती ल सुंदर कले कहे लगे कथे स्वामी कोनी ऐ कोने शांति नगर की रानी चांगुना हसिया चलो न सब ए जग में चल के अभी मिलन कथे सियाराम सियाराम भगवान शिव कथे सिने जाबो ए खिली जाला अरे सिने जाबो तो जिंदार हे सियाराम उपाय बताओ कथे सियाराम जय सियाराम माता भवानी कथे स्वामी यहाँ के जाते दोनों जन गौरी गुरु पर धर लेबो योगी रूप ते धरबे अद्री सुधर के भाई चलो कथे सियाराम जय सियाराम ऐसे सुनता बांधी सुनंदी भ्रंगी सुनिस बात लो रेंगे लगे का चलो दीदी चलो बहिनी औ हई गुनिया गाबो हो Thank you.
साथ गुरु धरे और कांत्री करके तब आगे बढ़ते हुए कहा मोरी ये नारी तना बड़ा पापी हो गेरा था मोरी ये नारी तना बड़ा पापी हो गेरा दान के की विदा कह कर थे नगा सियाराम जय सियाराम गली गली में निकले अपन अपन को हाथी ले जाए कि सुंदर के दान दे थे दान लेकर के जोगी बाबा आगे बच्चे ना रानी चाव ना कथे सुना था ना आज हमारे अंगन पर भिक्षुक आए थे इसे लग थे चलो ना स्वामी घर में भिक्षुक ला मन चला दे करके कि चक्र के थे नगा सियाराम जय सियाराम राजा सियाल के बहुत बात है चलो अविलंब भिक्षा के थाली तैयार कर लो और वैसे भी आज तकने हमर द्वारी ना कोलो खाली हाथ लिखे है कोनो जुच्छा नहीं गए है घर में अतिथि तो भगवान की रूप होते सियाराम चलो रानी भिक्षा के थाली तैयार कर लो घर में अतिथि रमन छदान देकर की विदा कर कथन गा सियाराम जय सियाराम अति की बात ल सुने राजा सियाल और रानी चंद सुंदर के भिक्षा के थाली तैयार करके आगे बढ़ गए शिवालय ले निकले द्वारी में पहुंचे द्वारी ले निकले मुहाटी में पहुंचे मुहाटी में खड़े रहे जोगी बाबा के चरणों में जाके नमस्कार ओहो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए रानी चांदना कहे बाबा ये दी महाराज मैं आपकी सुंदर भिक्षा ले आऊं ना भिक्षा ग्रहण कर लेते होकर तेईस सियाराम सियाराम की बात न सुने जोगी बाबा कहे चाहू ना मैं तोर हाथ से भिक्षा नहीं ले सकू अगर तोर हाथ से भिक्षा लू ना बोला पाप लगे पाप सियाराम राजा साहब रखे थे बाबा पूरा नगर वासी खाते पिक्चर ले बता था और मोर द्वारी मोर अंग और हाथ ने बिछने पाप लगी ऐसे का कारण है बाबा महू ल तो बताओ महू तो जानो और हाथ ने बिछने लगे कारण करते सियाराम अतका बात ल सुने जोगी बाबा कह कर जन छत रे सुन तोर हाथ ने बिछने लगे कारण ते बाजी ना नीचे जान हस तोर हाथ ने बिछने बाबा आज ये बात मैं बोला है बजाते हुए लोग बात दे बाबा एक लेक के मोहले बात की सब तो सुन दो और सात हजार सत्य एक लेक के किलकाय जाने ने बरबर सात हजार सत्य बाबा एक लेक के भी नंबर को रसूल ना है अगर बोले नाथ की कृपा हुई मर भोले बाबा की आशीर्वाद हुई जरूर मोर मोर अमल अल्लाह चली पर बाबा मोर हाथ से भिक्षा ले ले समान करो न कि अपमान बाबा न कि अपमान सियाराम अत की बात न सुने जोगी बाबा के हृदय में पहाड़ सच उठ पर थे जोगी बाबा कहे बस बेटी चांगुना बस मल्लन या सब कर बे ऊपर वाले के हदेर है अंधेरड़ी ला चांगुना मैं तोर हाथ से भिक्षा ले बस तैयार हो कितना गा सियाराम जय सियाराम भिक्षा के थाली लकमंडल में ले जाकर के दान दे थे जोगी बाबा कहे बेटी चांगुना ये ले बेटी प्रसाद खा बे यार बोला एक लाल भी लेकर थे सियाराम जय सियाराम अत की बात न सुने गदगद हो गए राजा सिया रानी चाऊना चरणों में गिर के सुंदर विदा लेकर के आगे बढ़ के कथे का गाले गाले राम हरि नाम लगा ले राम गाले गाले राम हरि नाम लगा ले राम ए दीवाना रे We'll be right back.
अच्छा गुना कथि सुनत हो ना जत्ते बिले भी प्रसाद दला खा हो ना इतते बिल मतलब बैठी नी लग थी कुन तू हर मन किया के होती तू हर मन किया दिस स्वामी बहुत मतलब जा क्या राम कर लत सिया राम जय सिया राम राजा सियाल के बहुत सुंदर बात में जाओ रानी जब तू अच्छे लगी ते आज बे बिटके भोले आदि पूजा कर लो कितना गा सिया राम जय सिया राम आज के लेकर के रानी चंदा राजमहल की तरफ आगे बढ़ते राजा सियाल बोले ना की पूजा कर दे बैठे सरी लीला ना देखत थे कौन आमा के डार बैठे सुब कथे का आमा के डार बोले सुवारा आमा के डार बोले सुवारा नगर वासी लस्तर ठीक है नेता दे दो झारा झारा
कुल गृहित जी महाराज बुला के ले आओ संगे संग हमार राज्य महल ऐसे सजाना जेकरा हम स्वर्ग फीका बड़े जाय के सियाराम जय सियाराम। ऐसे कही के दोनों के दोनों मंत्री रहत ना क्या के पाल करते हे सियाराम कते भैया ते जाबे कुल गृहित जी महाराज बुलाए बर मैं रेथु नगर वसल ने उता कते सियाराम जय सियाराम। ये दा हसी तवा के कथिका रेंगो रेंगो सियाराम ने उता रे वर जाना हे राम आज सुंदर कल निकली मंत्री महाराज ये डर चल कहा भैया मल्लक कथे सुंदर कले देवता देवत 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 कथे बाबा जो हाल है बाबा सुना तत बाबा हमारा राजा घना गजत न गुड्डुआ है जी तो शक्ति क्या पेट ने त दे तो पर हा चाय शक्कर हा तू हर रही और पानी रही हमर सियाराम जय सियाराम। देवत देवत मंत्री निकल गए दहे कुल कृति महाराज के गुरुदेव आओ गुरुदेव चलो गुरुदेव हमर राजा के क्या पर बुलावे है का अरे जौने समय कर बे प्राप्ति हो राजा सियाल है तो राजकुमार लौटे और सुंदर गोदी में तेजिस कथे सियाराम जय कुलप्रति महाराज है तो मस्त रेखन देखे हलाक के लेखन देखे सुंदर कल कथन गा सियाराम जय सियाराम। भगवान श्री लखन बड़ा ही अलौकिक बड़ा ही तेजस्वी बड़ा ही हे भोलेनाथ धन्य है तो लीला आज जिन भक्त के नाम करके भेजे हसना आज भक्त के नाम करके और सब के करके कोटि कोटि पड़ावे हे कते सियाराम जय ऐसे कही के सुंदर कले जैसे ही कथे आज मंत्री मल कथरी ए बेटा मंत्रियो ये ले बेटा इल अपन गोदी में खिलाओ सियाराम तब तक ले मैं सुंदर पंचांग निकाल के राजकुमार के नाम पर करके तने गा सियाराम जय सियाराम। दोनों के दोनों मंत्री पंचांग निकाले बर सुंदर कुल प्रतिमा आज में सुंदर कर दे दिखे और राजकुमार अपन गोदी में उठा के कहते भैया हमारे राजकुमार उठाने जी सुते थे उठा 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 ये उठा 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 दे दोनों के दोनों मंत्री थाली कहते सियाराम जय सियाराम। आज समय के दोनों के थे भैया हमारे राजमहल देख बड़ा आनंद आते आज सबों के सब प्रजा मन सकला है पूरा परिवार सकला है अति आनंद आते बहुत सुंदर लगते आज हमारे कांति नगर में का कांति नगर के राजमहल
शांति नगर के राजमहल में जन्मे सुंदर ललिता राजा जन्मे सुंदर ललिता सब नजर कलर कलर करी जा रे हो रामिया काली को बता
कलर कलर खरीदार हो कलर कलर खरीदार हो जिसके चले भोला बाबा राम तमके जिसके चले भोला बाबा राम चले हवे खाली मनाए पर भोला राम चले हवे खाली मनाए पर भोला जाहिर ताई के दुनिया मां ताई तेरन भोला देव सुर भक्त के नैया लावो ताई पार लगावे रम सुर भक्त के नैया लावो ताई पार लगावे रम बोल चली दुर्गा काली मैया की सोला दुर्गा कहां की मां काली चारों धाम मतोरे पुजारी वो माता रानी काम चढ़ावो तोरा दर्शन दे माता को काम चढ़ावो तोरा दर्शन दे तोरा दुर्गा कहो सियाले और नीचा गुना कहेगा रामा और सुंदर कले गए दिन पूजा करेगा रामा सुंदर पूजा करत रहा है अपन बेटा चिलिया के संग में सियाराम
ये ना हर धर्म के बाद ज्ञान के पाठ में पढ़ावा थे काश माल के देवी श्री नारद के थे का भागे मानुष तन बंदे औमैया मा भोलाए राम रमैया रामा हीरा जैसे काया रे भाई रे बिरथा गवाए राम रमैया रामा ये ले नजर घुमा के देखे वास्तव बातें भोलेनाथ अरे बांस के बीड़ा माँ बात से जाते करते सही बातें सवारी के संग में खेलना चाहिए जिन लिंगा सवारी के संग में घूमना चाहिए आज वो बैठा चिंदिया है तो माता पिता के संग में बैठ के भक्ति करते एक तो करते का अरे जैसे जैसे घर द्वार वैसे होते कृपा और जैसे जैसे माता पिता वैसे होते देव ऋषि नारद मुनि मन ही मन विचार करे का धन धन भोले तुर लीला अवड़ बड़ मन लभा तेरा रमैया रामा ओ जय हो वै भोले का बाबा ओ सदा जय जय हो वै हो रामा रमैया रामा जय हो देव ऋषि नारद मुनि मन ही मन विचार कर लग गए आज तीनों जन के भक्ति लमाए भगवान भोलेनाथ माता भवानी के तीर में ले गौ तब कह जा की कर भक्ति के बारे में बेड़ा पार हो ही राम देव ऋषि नारद मुनि मन ही मन विचार करे आखिर में ले गाँव ले गाँव कैसे जाऊं ते जाऊं कैसे एक नारद जी मन विचार करते भोलेनाथ आज तोर भूत भव रूप के बोलो दर्शन करे के अभिलाषा है आज मोर नैना तरसत है भोलेनाथ आज मोला तरस दिखा देते पुरान ये भोलेनाथ तोरी बूढ़ी सूरतिया मोरी नैना तोरी अमर कहानी मोरी मनला मोही रे तोरी अमर कहानी रे आ जा राम भोले राम जय हो जय भोले सुर जा राम भोले राम समागे तोरे अमर कहानी राम मोरे मन राम मोहि रे तोरे अमर कहानी
देवरी श्री नारद मुनि है तो भगवान शिव माता पार्वती के तीर में जाके सुंदर जाके प्रणाम करे। माता भवानी पूछे लगे कहे आज बताना मोर से बड़ी के दुनिया में कोनो नहीं है ना भगवान शिव के भक्ति कह नारद जी महाराज कहे मैया कल भी कांतिनगर के रानी चावना राजेश्वर पूजा करत राम और आज हलो कांतिनगर के रानी चावना राजेश्वर का बेटा चले जिससे भक्ति करने वाला तीन लोग चौदह भर में को नो ये ना हो ना हो की बात में सुने माता भवानी केड़ी किस तरह के ललकार करके कहते ये ना मैं दुर्गा मैं चंडिका मैं काली का भवानी से राम और से बड़े के आज से के दिन पूर्व भक्ति करने वाला है ना हो ना हो सके कहते राम नारद कहते नारायण नारायण हाँ हाँ भैया तय दुर्गा तय चंडिका तय काली का भवानी से राम तौर से बढ़ के दुनिया में कोनो शक्ति ने पर भैया कांति नगर के रानी चावना राजा श्याल जी से भक्ति करने वाला कोनो नहीं है औकर जिससे भक्ति के पार कोनो पा नहीं सके कहते राम नारद जी महाराज कहे भोलेनाथ अब का होई अब का होई तुर भक्ति के लिए बीच मझधार में डूबे जाते बीच भवर में फुस फसे जाते एकर पार कैसे होई कहते राम अतका बात सुने भगवान शिव जी कहे थे चिंता काबर करते नारद जी जेने रचना में रच के होना ओ इसने देवी पार्वती के अहंकार न तोड़ पर अरे संसार के हर मानव ल कहीं न कहीं चीज के अभिमान है कहीं न कहीं चीज के घमंड है आज देवी पार्वती ने घलो घमंड हो गई ते चिंता झलकर आगे के लीला वैकुंठ पति के बजा के देखो और जिन भक्त के नैया कि मैं स्वयं के वैया हूं जिन भक्त के मैं स्वयं पतवार बनो भलो भक्त के नैया कैसे डूबे करते आराम जय आगे लेकर के देव ऋषि नारद की सुंदर कले आगे बढ़ते जाओ जब कहते भोलेनाथ तब ले बोला डर लागा इला पार लगा दे ये भोले ना इला पार लगा दे राम अबे इला पार लगा दे राम जय हो पर नहीं अपने मजधार प्रभु के लगा दे बेड़ा पार मोला पार लगा दे राम जय हो स्वामी जेन बात भी तेरी सिनार ने कही कि गी से तेरे बात सच का कहते राम भगवान शंकर मुस्कुरा के कहते हां पार्वती बात तो सच कहते राम माता पार्वती कहते स्वामी तहु मन सच का सुना तो जाओ क्या करके कांती नगर के रानी चावना राजा श्याल ओकर बेटे के चीला भक्ति परिचय से राम तब मैं जानो तब मैं मानो वास्तव में मोर से गलो गड़े भक्त है जेन हरे कांती नगर के रानी चावना राजा तो कर बेटा ये कहते राम भगवान शिव के पार्वती रे वो पंचगव भक्ति करते वो तोला का हटान कहां पर शिक्षक करे पड़े कहते राम माता पार्वती कहे स्वामी मैं एक नारी हूँ सराम और कोनो नारी के आगू मगर प्राय नारी के बड़ाई करे ना अरे संसार के कोनो नारी सहन नहीं करे कहते राम भगवान शंकर कहे पार्वती सबो बात सही है अरे वो अपन जगह में भक्ति करते तोला का करवे ते अपन जगह में ठीक है तो अपन जगह में ठीक है हटा न कहते राम माता पार्वती कहते स्वामी मोरो पर रह से राम जब तक कांति नगर के रानी चावना राजा सुकर बेटा जी के भक्ति में चल करके नहीं आवे तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करो कहते राम
भगवान शिव के पार्वती नारी से देवता हरि कहते सियाराम जय सियाराम। क्रिया हट में भगवान शंकर फंस गए, कहते ठीक है पार्वती तोरी ही जीवित में जाते पर चले पर हाँ एक बात के ध्यान रख ले, जब तक कैलाश पर छोड़ के मैं नहीं जाऊँ तब तक कैलाश पर छोड़ के मत जावे, और अगर कोनो काम मिल गया धरे पार्वती लते बना ले ये हर सुंदर कले माता पार्वती कथि कस भोला ऐसे काबर लगे थे मोला शरीर मिला तेरा चाचा सरकार कथि सियाराम। माता भवानी के बाद तो श्री भगवान शिव के पार्वती का बातें साफ साफ बताना पहली काबर बुझा दस कथि सियाराम। माता पार्वती कथि स्वामी दूर भक्ति माँ का जादू हेरा जगलाते हम भक्ति माँ का जादू है राम जगलाते हम मुंजारे राम करे मन ही मन सोचे लगे ये रूप में जहूं तो चिंता रही कोई ना कोई उपाय बनाए लगे, ऐसे कहीं के विचार करत रहा वत की बेरा के बाद ते कैलाश बद पावल और साले भरा वत की पता चल गया कौन ना हर जंगल के राजा शेर बिंद्र भालू अपन अपन डेरा निकल गया आगे बढ़ के कथे का ला 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 रानी मैसिया देवी बारा भावर धार वाली केली शक्ति देवारी बारा गांव पठार वाली रानी मैसिया देवी बारा भावर धार वाली केली शक्ति देवारी हलू भगवान सिंह के चरणों में जब थे और जाके सुंदर नतमस्तक हो जाते चरणों में जैसे पहुंचे आज आशीर्वाद लेते आगे बढ़ते डर सुनते करते एक कन्हैया आज कन्हैया ते कतको काज करे है जी आए के घलो अंदराज मोर बच्चा दिन कन्हैया आज कन्हैया एक कन्हैया तोरे मुरली बाजे राम एक कन्हैया तोरे मुरली बाजे राम तोरे मुरली बाजे राम हैया तोरे बांसी बाजे राम कन्हैया तोरे मुरली
चलो ना स्वामी घर में भूखे बैठा सुंदर भोजन करते बात सुरे राजा सियाल के बहुत सुंदर बात है। अभिलंब चलो रानी आज तक हमारे द्वारे कोनो भिक्षुक नहीं लूटे आज तक हमारे द्वारे कोनो खाली हाथ नहीं गए सियाराम घर में भूखे बैठा सुंदर भोजन करन करते आज दोनों के दोनों प्राणी भगवान शिव प्रणाम करे और खड़े होकर के अपन बेटा चिलल कहे बेटा चिलिया जा बोला तेतुर से बारे मंथन में खेलत रे बिना का जब तो दिल से बेटा हम बुला ले भगत करे आज आराम आज क्या कारी बेटा चिल्ला है तुम माता पिता के चरणों में नतमस्तक होते हैं सियाराम और सुंदर संगवारी मंदिर में खेले भर चले राजा सियाल और रानी चाहूं सुंदर राज महल्ले शिवालय ले लेकर द्वारे में पहुंचे द्वारे ले लेकर सुंदर मुहाटी में पहुंचे जेन मुहाटी में खड़े रहे करिया बिलवा रूप बना करके भगवान शिव और गढ़ बाबा चरणों में जाके नतमस्तक होके करते सियाराम जैसे ही नतमस्तक होते हाथ जोड़ करके कहे बाबा आओ महाराज आपके चरण के धूले छोटे से महल में रखो राम ताकि पवित्र हो जाएगा तेज राम अत का बात सुने सुन करके आओ गढ़ बाबा कथे एक चागुड़ा मैं एक बछर ले भूखा हूं राम अगर ते बोला राजमा करने ले जाना चाहता तो सुन के बोल में चबो मेरानी तेले देवे तब तो घर बैठ में भोजन तो करने का सियाराम अत का बात सुने राजा सियाल कहते अहो भाग्य बाबा अहो भाग्य जनाब जी से साधु महात्मा सुंदर भोजन कराए के अवसर प्राप्त है आओ ना महाराज चलो राजमहल के भीतर तब तो बैठ के भोजन ग्रहण करो ना कहते सियाराम अत का बात सुने आओ गढ़ बाबा कहे ओ राजा सियाल अरे दुनिया में तो हजार जन कहने वाला है सियाराम पर जे मलवा चलते थे मैं ओकरे घर बैठ के भोजन करतो ते मलवा चलते तब तो घर बैठ के मैं भोजन करो करो सियाराम राजा सिया रानी चाहूं कहे बाबा हम तो शिव के भक्त हैं शिव के महिमा गवन आज तक ने का गुरु पर झूठ नहीं बोले का गुरु पर लबारी नहीं बोला हमर बात में तोला विश्वास नहीं ना ठीक है हे बाबा हम तोला वचन दे थन के धर्म ने चबक दे ते मांगले बहसते हुए दान करबो कते सियाराम वचन लेकर के औ घर बाबा मुस्कुराए लगे राजा सर कहे बाबा रिंगौरी गौरी गौरी गौका लागे सियाराम स्वागत करबो कहे राजा राम आओ बाबा अंगना पधारो मोरे अंगना राम रेगो बाबा रेगो मोरे भवन कहे सिया राम ये राम भजो सिया सिया राम भजो राम राम भजो राम सिया राम भजो राम छप्पन प्रकार के भोजन तैयार घर बाबा ले जाए लगते सियाराम और ले जा करके औ घर बाबा के घूम रख दी और रख करके कथे बाबा यदि महाराज मैं अपने सुंदर भोजन ले आओ भोजन ग्रहण कर लो ना कथे सियाराम अत की जो बात न सुनी सौगढ़ बाबा कथे चाकुड़ा ये का भोजन सादा भोजन अगर सादा भोजन खाना होते तो कौन गरीब बच्चे तो पर मैं तोड़ गरी तो बोल साल चल कर दास बोल साल का पड़ता दास है चाकुड़ा मैं इस तरह भोजन ही खाऊँ है भोजन तुम लिया
अन्न के थाली लपट कर देख के राजा श्याल और रानी चावना के मन निराश हो गए सियाराम। और जैसे ही मन निराश होते दोनों के दोनों प्राणी कहे बाबा यन्म कोनो कमी होगे का हमर मन से कोनो अपराध होगे अगर कोनो गलती होगी तो क्षमा कर देते बाबा परिसर अन्न के अपमान करना अच्छी बात नहीं करते सियाराम। अत की जब बात न सुने और सुन करके सुंदर कले आओ घर बाबा कहे चाकुड़ा अरे मैं सादा भोजन नहीं खाऊं मैं तुम्हारे के मुजर को खाऊं। अत की बात न सुने सुन करके राजा सियाल कथे बाबा एक साधु महात्मा होकर के मांस की बात करतो ठीक है बाबा हम तो वचन देर बताओ महाराज कौन से मांस खाऊं हिरण मिर्गा शेर भगवा हंसा प्रेरणा कोल्हे कुकुर पागल सियाराम। ओ गढ़ बाबा कह राजा सियाल एक मैं जानवर के मांस नहीं खाऊं सियाराम मैं तो मानव के मांस से तुम सियाराम। रानी चाऊखा कथे बाबा एक साधु महात्मा करके मानो के मांस की बात करते बात अच्छा नहीं लगी पर हाँ बाबा आप लोग वचन दे तुरे से साधु महात्मा कथे घरों का संगत कर ले साधु के और भोजन कर लो खीर बाता कर ले बनारस में जहाँ मरना गंगा सियाराम। अत का बात सुने हो गढ़ बाबा कहे चाऊखा तय बोलो धर्म ग्रंथ के बारे में मैं बता सियाराम तय बोलो मानो के मन में हया सियाराम। रानी चाहूंगा ठीक है हे बाबा आप मानव के मांस खाऊ ना मैं आप मानव के मांस देव तैयार हूँ पर मानव के मांस तो होना जरूर पर ना कोनो गरीब मरे और ना कोनो सैनिक मारे कथे सियाराम। आओ सियाराम 5 मिनट के विशेष समय बचे हैं और 5 मिनट के समय में आप सब लोग कथा अंतिम तक नहीं पढ़ा तक ले नहीं सको तो आओ इमन से सादर विदा लेते चल वो काबर ये कथा नेट 3.5 घंटा की कथा है जिला अपना 2 घंटा तक परोसे प्रयास करते रहे पर नहीं हो सके एक स्थिति आज राजा सियाल और रानी चाकुना अपन बेटा चिल्याला और गढ़ बाबा अपन हाथ में मार करके भोजन प्रदान करती अगर फिर कभी समय मिले तो आप जरूर आपकी आ घूमा कथा प्रसंग पूरे की प्रयास करबो तो आओ चलथन एमन से अंतिम भजन ओकर बाद सादर विदा करते सियाराम। आज जैन मंच में आप सबकी आ घूमा या सुंदर चढ़े रहे होना सियाराम वही ताली के साथ एमन से विदा पाना चाहत हूँ निवेदन आप जम्मो जन एक घाव पर दोनों हाथ तो ऊपर करके जोरदार जयकार और ताली बजा करके आ सुंदर विदा देव का चलो सियाराम अपन अपन दोनों हाथ उठा करके का अरे आज सजे दरबार राम का झूम के गारे अरे आज सजे दरबार राम का झूम के गा लेना हे बहन जी जरा ताली बजा देना ए भैया जी जरा ताली बजा देना चलो सियाराम अपन दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा अरे आज सजे दरबार।